हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए, इस डिजाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 50+2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 15+2। देखिए, रॉन्ग साइड पे से दिखता है। रॉन्ग साइड पर आपको एवरी रॉन्ग साइड रोज आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है, पूरी रॉन्ग साइड रोज। देखिए, डिजाइन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो वन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 15 2 × 15 30+2 एड स्टिच करके टोटल 32 फंदा डाला है। देखिए, रोहन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रोहन स्टार्ट करते देखिए, फर्स्ट में एड स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, 5 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके आपको देखिए 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से। इस 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर बीच में आपको एन ओवर एक फंदा सीधा एन ओवर करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 फंदा नीट वाइज स्लिप करना है, 1 2, फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। फिर धागा आगे करके लास्ट में भी आपको 5 फंदा उल्टा बनना है, 1 2 3 4 5। देखिए, अब आपको ये रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदों को छोड़कर 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, एन ओवर एक फंदा सीधा एन ओवर, 2 फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर 5 फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करके 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर एन ओवर एक फंदा सीधा, फिर से देखिए एन ओवर, फिर 2 फंदा स्लिप करके आपको बैक लूप से 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, राइट साइड पे आपको सीधा बुनना है। रो 1 कंप्लीट कर लिया है, रो 2 आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 2 सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब रो 3, देखिए रो 3 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए धागा पीछे करके 4 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, अब देखिए उल्टा फंदा सीधा फंदा को, 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, सॉरी 2 फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर एक फंदा सीधा, फिर बीच में आपको एन ओवर एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर करना है, फिर से एक फंदा सीधा, फिर देखिए 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, 2 फंदा से स्लिप करके बैक लूप से 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। देखिए, अब आपको ये रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदों को छोड़कर 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, एक फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर लास्ट में 4 फंदा उल्टा।
अब फिर से ही रिपीट करते जाना है। देखिए, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, देखिए दो फंदों के एक फंदा बनाना है आगे से, फिर एक फंदा सीधा एंड ओवर, एक फंदा फिर से सीधा, फिर से एंड ओवर, फिर से एक फंदा सीधा, फिर देखिए दो फंदा स्लिप करके दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर धागा आगे चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। देखिए दो बार रिपीट हुआ है यहाँ पर स्लिप फंदों को छोड़कर। फिर देखिए एज स्टिच बचेगा सीधा के, रो थ्री कंप्लीट कर लिया है, रो फोर रॉन्ग साइड आपको उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो फोर कंप्लीट कर लिया है, अब रो फाइव, देखिए रो फाइव राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, देखिए दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से, फिर देखिए दो फंदा सीधा, एक दो, फिर बीच में एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, फिर से दो फंदा सीधा, फिर देखिए दो फंदा नीट वाइज स्लिप करके बैक लूप से दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, देखिए रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा उल्टा दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर दो फंदा सीधा एंड ओवर, एक फंदा सीधा एंड ओवर, हमेशा आपको देखिए बीच में आपको एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर आएगा, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदे को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर तीन फंदा उल्टा, अब ये रिपीट करना है फिर से, तीन फंदा उल्टा दो तीन, धागा पीछे, दो फंदे को एक फंदा बनाना है आगे से, दो फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, दो फंदा सीधा, फिर दो फंदे को स्लिप करके बैक लूप से दो फंदे को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में एज स्टिच बचेगा सीधा। रो फाइव कंप्लीट कर लिया है, रो सिक्स रॉन्ग साइड उल्टा बुन के आपको सब कंप्लीट करना है। रो सिक्स कंप्लीट कर लिया है, रो सेवन, देखिए रो सेवन राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, देखिए उल्टा फंदा सीधा फंदा का, दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर आपको तीन फंदा सीधा बनना है, एक दो तीन, फिर बीच में आपको एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर करना है, फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर देखिए दो फंदा स्लिप करके बैक लूप से दो फंदे को एक फंदा बनाना है, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, सॉरी दो फंदा उल्टा, अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदे को छोड़कर दो फंदा उल्टा दो फंदे को एक फंदा बनाना है, तीन फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, तीन फंदा सीधा, दो फंदे को एक फंदा बनाना है दो फंदा उल्टा, अब ये रिपीट करते जाना है फिर से, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे को एक फंदा बनाना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर,
तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदा स्लिप करके बैक लूप से दो फंदा के एक फंदा बनाना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा। देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर से लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा सीधा। रो 7 कंप्लीट कर लिया है, रो 8 आपको उल्टा बुन के सब कंप्लीट करना है। रो 8 कंप्लीट कर लिया है, रो 9 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदों के एक फंदा बनाना है आगे से, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर एंड ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एंड ओवर, और फिर से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर देखिए दो फंदा स्लिप करके बैक लूप से दो फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब आप कई रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर एक फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, एक फंदा सॉरी दो फंदों को एक फंदा बनाना है, चार फंदा सीधा एंड ओवर, एक फंदा सीधा एंड ओवर, चार फंदा सीधा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से एक फंदा उल्टा, दो फंदों के एक फंदा बनाना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, एंड ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एंड ओवर, चार फंदा सीधा, तीन चार, फिर दो फंदा स्लिप करके बैक लूप से दो फंदा का एक फंदा बनाना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा। देखिए दो बार रिपीट हुआ है, फिर एज स्टिच सीधा बनाए। रो 9 कंप्लीट कर लिया है, 10 रॉन्ग साइड उल्टा बुन के सब कंप्लीट करना है। टेन रो कंप्लीट कर लिया है उल्टा बुन के, अब 11 रो राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में आपको दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे से, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर बीच में आपको एक फंदा सीधा सॉरी एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर करना है, फिर से पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदा स्लिप करके दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से। देखिए अब आपके रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदों को छोड़कर दो फंदों का एक फंदा बनाना है, पांच फंदा सीधा एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, फिर से पांच फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा बनाना है। देखिए फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाना है, पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पांच, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पांच, फिर देखिए दो फंदा स्लिप करके बैक लूप से दो फंदों को एक फंदा बनाना है। दो बार रिपीट हुआ है, फिर एज स्टिच सीधा। देखिए 11 रो कंप्लीट कर लिया है, 12 रो लास्ट रो आपको रॉन्ग साइड उल्टा बुन के सब कंप्लीट करना है। देखिए 12 रो में कंप्लीट कर लिया है, 12 रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, वन से आपको 12 रो तक ही रिपीट करना है, वन से
देखिए फिर से ऐसे आपको रोहन से स्टार्ट करना है, राइट सर से। देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा, लास्ट में। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।